कार्यकाल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन को हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को अपनी पार्टी के एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं। आम बजट 2023-24 का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। इस बजट की प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास और युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती प्रदान करना। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है बल्कि देश के विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ने मध्यम वर्ग के लिए नौकरी पेशे में लोगों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए के सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मैं मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के लोगों के हेतु लिए गए इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत करता हूं। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना के 4th चरण की घोषणा, यह भी स्वागत योग्य कदम है। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने के निर्णय को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ एवं वरिष्ठ नागरिकों के उनके सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम के लिमिट के लिए भी 9 लाख रुपए के निर्णय को भी स्वागत करता हूँ। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगी। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय यानी 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाना एक ऐतिहासिक कदम है। मैं पुनः अमृतकाल के इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ।